Hey guys, welcome back to Become My Art. I hope you all doing good. And आज मैं स्केच नहीं करने वाला हूँ, बल्कि पिछले साल आपको पता ही होगा मैंने एक टिकट इवेंट ऑर्गेनाइज किया था. वहाँ पर प्राइजेस था विनर के, तो वहाँ पर तीन प्राइजेस था, एक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे जो जो जीतेगा, जो जिसका नाम आएगा, जो जिसका नाम टिकट में आएगा, जो जिसका विनर जो विनर का नाम आएगा, तो उनके मैं स्केच में ड्रॉ करूँगा. जनवरी 26 को टिकट का अनाउंसमेंट हुआ. अनाउंसमेंट होने के बाद जो विनर था, तो आई वॉज शॉक दैट एट द टाइम. मैंने उस टाइम लाइव किया था फेसबुक में, तो मैंने पूरा रियल लाइफ दिखाया था, तो विदाउट चीटिंग. आई वॉज सरप्राइज दैट जो विनर के नाम था सब मेरे जान पहचान था. लाइक थर्ड प्राइज आया था हमारे खुद के, अभी जो मेरे अभी प्रेजेंट के जो प्रिंसिपल थे वो हम वो थर्ड पे आया था. एंड अगेन सेकेंड में आया था एक मेरे दोस्त जो हम म्यूजिक क्लास वगैरह में पहले पे जाता था, अभी वो भी पढ़ाई करें कहीं पे दूर पे चला गया. एंड अगेन फर्स्ट प्राइज पे आया था हमारे लोकल एरिया के पुलिस. एंड देन मुझे भी याद है कि उन्होंने कहा कि मुझे ही मिलना चाहिए. एट द टाइम ही वॉज बाइंग द टिकट एंड हम मैंने भी उसे कहा कि ओके सर, डोंट वरी, आपको ही मिलेगा. एंड देन इट वॉज लाइक मैजिक, सो उन्हें मिल गया. सर अब तो वो अनाउंसमेंट ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे उनकी पिक्चर मांगा. उनके पिक्चर सेंड करने के लिए मैंने उनसे कहा. देन प्रिंसिपल एंड पुलिस जो ऑफिसर था उन्होंने तो उनकी पिक्चर दे दी. देन सेकेंड प्राइज अभी अब तक नहीं दिया, आई थिंक दे देंगे तो उनके भी बना लूँगा. जब क्या हुआ कि थर्ड प्राइज विनर एंड फर्स्ट प्राइज विनर को जब अपने पिक्चर सेंड किया, देन एट द टाइम मेरा कॉलेज से एक नोटिफिकेशन आता है कि हमारा फाइनल एग्जाम शुरू हो गया. देन मेरा तो और टेंशन बढ़ गया. तो आई वॉज थिंकिंग कि मैंने जो विनर था तो कि वह जो टिकट में जो एक पॉलिसी था तो उनके स्केच विद इन 2 वीक में मिल जाएगा, ऐसा वगैरह पॉलिसी था. देन तो मेरा फाइनल एग्जाम था TTC थर्ड सेमेस्टर का. जो विनर था तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया. देन मैंने उनसे अपोलोजाइज मांगा कि विद इन 2 वीक्स आई कैन नॉट गिव देम बिकॉज आई हैव माई एग्जाम. सो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा टाइम चाहिए. देन उन्होंने मुझे टाइम दिया. एंड देन आफ्टर माई फाइनल एग्जाम, आफ्टर तो हमारा एग्जाम पूरा वन मंथ तक एग्जाम ही चलता गया पूरा 1 मंथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप था. अलग अलग सेमेस्टर वाइज होता ना, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम गया. एंड हमारा बीच बीच में एग्जाम तो पूरा 1 मंथ चला गया. स्केच खत्म होने के बाद में मैंने उनको डिलीवर किया. देन डिलीवर करने के टाइम मैंने छोटा छोटा सा वीडियो क्लिक किया, वीडियो शूटिंग किया. तो मैं आप सबको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उनको दिया एंड उनकी रिएक्शन आप देख लेना. एंड हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. सो विदाउट एनी वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड. বনাইছে চাব নেকি এটা গিফ্ট মানে বহুত ধুনীয়া বনাইছে চাব এই ল'ৰাটো